नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरल एडू इन्फो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में यहां पर 1785 पदों पे यहां पर अप्रेंटिस की भर्ती निकली है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल फॉर्म भर के बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसका ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन दोस्तों जो आपके आवेदन है कल यानी कि 15 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। बात करेंगे लास्ट डेट की, तो दोस्तों जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 14/12/2021 रखी गई है शाम को 5 बजे तक। दोस्तों, अगर आपको उसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इसके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से एक बार आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको साउथ ईस्टर्न रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन करना पड़ेगा। इसकी भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, जो फीस है, अगर आप यूआर से भरते हैं या फिर ओबीसी से भरते हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों अगर आप एसटी एससी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यूनिट सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस यूनिट से दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके 4 यूनिट दिखाई गई है। तो दोस्तों जो आपका नोटिफिकेशन इस बार है, तो दोस्तों जो आपका नोटिफिकेशन है ना, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि आपने जिस भी ट्रेड से यहाँ पे आईटीआई किया उसमें वाले वैकेंसी है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको खड़गपुर से यहाँ पे अप्लाई करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो खड़गपुर, उसको यहाँ पे अप्लाई सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो सब यूनिट है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो सब यूनिट है, सबसे पहले वाली, उसी को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जो ट्रेड है ना वो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे जो फिटर है उसका यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। जो भी दोस्तों आपका ट्रेड है और जो भी दोस्तों आपकी वैकेंसी, उसको एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछेगा आर यू डिफरेंशियबली एबल, यानी कि दोस्तों अगर आप हैंडीकैप है तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बार आपको फिर से बता देगा कि आपने कौन कौन सी यूनिट, कौन सी सब यूनिट और साथ में कौन सा यहाँ पे अपने ट्रेड चुना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कैंडिडेट नेम, यानी कि जो भी आपका नाम है वो आपको फिल करना है। आपके फादर का नाम फिल करना है, आपके मदर का नाम फिल करना है। इसके बाद दोस्तों जो भी आप कैटेगरी में आते हैं ये आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। इसके बाद दोस्तों आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, जो कि आपका कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर नहीं है। तो दोस्तों इतनी चीज़ यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर यू आर वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दोस्तों अगर आप इनमें से किसी के बच्चे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक्स सर्विसमैन है या फिर चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान, इनमें से दोस्तों कोई भी तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नन करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मेल आईडी डालनी पड़ेगी। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो आपने मेल आईडी डाली उसको यहाँ पे आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उसका दोबारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और जो भी दोस्तों आपका नियरेस्ट स्टेशन है उसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, तो ये दोनों चीज़ें मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे बताता हूँ। एड्रेस डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आपका सेम है तो दोस्तों जो आपका चेक बॉक्स दिख रहा है ना, कि जो आपका बॉक्स दिख रहा है ना, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपकी 10th क्लास की डिटेल है वो आपको फिल करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो 10th क्लास का रोल नंबर है वो आपको डालना है। फिर दोस्तों जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास किया है वो आपको डालना है। फिर दोस्तों जो भी आपका बोर्ड का नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपने कितने आपके जो मार्क्स आए हैं वो आपको लिखना है 10th क्लास में। फिर आपके टोटल मार्क्स कितने थे वो आपको लिखना है, परसेंटेज लिखना है। साथ में 10th क्लास आपने कब पास किया था वो आपको जानकारी देनी है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको आईटीआई का जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको लिखना है। एनसीबीटी किया, एससीबीटी किया, जो भी किया वो आपको लिखना है। कौन से साल में आपने आईटीआई पास किया वो आपको लिखना है। फिर आईटीआई में दोस्तों आपके कितने नंबर आए वो आपको लिखना है। आईटीआई के दोस्तों आपके मैक्सिमम नंबर कितने थे, यानी कि कितने में से आपके नंबर आए वो लिखना है। फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखना है। तो इतनी चीज़ें मैं आपको फिल करके बता देता हूँ 10th क्लास की। और दोस्तों आईटीआई की डिटेल डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको जो डब्बा दिख रहा है ना इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा सिक्योरिटी, यानी कि जो भी आपके दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन या फिर जो भी आप कंप्यूटर से भरे होंगे, जो भी दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको उसको टाइप करके बता देता हूँ, 5-3।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक टू कंटिन्यू, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो बॉक्स दिखेंगे, तो पहले आप देखिए आपको दिख रहा होगा आई हैव वेरीफाई ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम, यानी कि दोस्तों अगर आपने पूरी चीज़ें वेरीफाई कर ली हैं तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एक बार चेक करना है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और ओके के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। और इस तरीके से दोस्तों आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा देगा डियर कैंडिडेट सचिन साहू, और यहाँ पे दोस्तों जो भी आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर टू लॉग इन, तो यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे आप लॉग इन कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको लॉग इन करके बता देता हूँ। लॉग इन करने के लिए दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन नंबर दिख रहा था वो आपको लिखना पड़ेगा, साथ में जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाली थी वो आपको लिखना पड़ेगा, और जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे आप देखिए आपको दिख रहा होगा 933P9, ये आपको डालना पड़ेगा। इसका दोस्तों आपको दिख रहा होगा लॉग इन, इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लॉग इन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा क्लिक हियर टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, यानी कि दोस्तों जो आपकी फोटो और जो आपकी सिग्नेचर उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको अपलोड कर लीजिएगा फोटो और साइन को, यहाँ पे मैं इसको अपलोड करके बता देता हूँ आपको। फिर दोस्तों इस तरीके से आपके सामने जो पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक बार आप देख लीजिएगा जो आपकी फोटो साइन आपको किस तरीके से अपलोड करना है, जो आपकी फोटो होनी चाहिए लेटेस्ट होनी चाहिए, कलर होनी चाहिए, साथ में दोस्तों जो आपका फेस है अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, और जो फोटो का साइज़ है आपका 20 से लेकर 50 KB के बीच में आपका होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर की भी आपको डिटेल जानकारी दी है कि आपको किस तरीके से जो आपका सिग्नेचर उसको यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चूज फाइल, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। सेकंड दोस्तों यहाँ पे आपको जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो दोनों चीज़ें मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। फोटो और साइन दोस्तों यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपलोड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप अपलोड करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए आपको दिखा रहा होगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे, यानी कि दोस्तों इस तरीके से आपको फॉर्म को सबमिट करना है। अगर दोस्तों आपने जनरल या फिर OBC से भरा होगा तो यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, 100 रुपये की आपकी फीस यहाँ पे सबमिट होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा होगा प्रिंट, इसके बाद दोस्तों नीचे देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसको प्रिंट कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।